हमारे भारत के आप सभी भाई बहनों को आज के 75वें प्रजासत्ताक दिन पर, जिन्हें गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है, जो आज 26 जनवरी 2024 का ये गणतंत्र दिवस, प्रजासत्ताक दिन, हम सभी भारतवासी बड़े आनंद से, बड़े ही उत्साह से इसे मना रहे हैं। आज 75 साल हो गए हम स्वतंत्रता से, अपना जीवन सभी लोग बड़े आनंद से, स्वतंत्रता से जी रहे हैं। ये 3 दिन हमारे लिए बड़े महत्व के होते हैं। एक है 15 अगस्त 1947 1947, जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली, स्वाधीनता मिली। अंग्रेजों ने इस भारत देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो ये दिन हमारे लिए बड़ा ही महत्व का दिन है, 15 अगस्त 1947। और उसके बाद दूसरा दिन है वह 26 नवंबर 1949 का दिन, 1949। इस दिन में जो संविधान, स्वतंत्र भारत का जो लिखा गया था, वो संविधान हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये सौंपा गया। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बनने के बाद, उन्होंने हमारे भारत का स्वतंत्र संविधान हो, हम अपने नियमों से चलें, अपने देश की, समाज की उन्नति करने वाले नियम हम बनाएं, ऐसा सोचकर उन्होंने संविधान सभा की निर्मित की। उन संविधान सभा के अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति थे, अध्यक्ष थे। और जो संविधान समिति बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनके अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी ही मेहनत करके ये संविधान, बड़ा बृहद, बड़ा महान संविधान बनाया, जिसे बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, लगभग 3 साल यह संविधान बनते रहा। और यह संविधान पूरा होने के बाद वो 26 नवंबर 1949 के दिन वो सौंपा गया। और उसके बाद ये संविधान जो लागू हुआ हमारे भारतवर्ष में, वो 26 जनवरी 1950 से जो ये संविधान लागू हुआ, जिससे हम स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र नियमों से, कायदों से, बने हुए कायदों से हम चलने लगे और अपनी उन्नति करने लगे। तो ये 3 दिन हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण दिन है। जब संविधान बनाने के बाद जो कमिटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति थे, उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंप दिया। और तब से 26 जनवरी 1950 से यह संविधान लागू हुआ। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आदि सही ढंग से हमारे संविधान के अनुरूप काम करने लगे, चलने लगे। हमारा सभी का भाग्य बदल गया है। आज संविधान के अनुसार हमें अपने देश की
एकात्मता रखनी है, उन्नति करनी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस सिद्धांत को हम लेकर चल रहे हैं। डाइवर्सिटी तो समाज में होती है, कई विचारधारा के लोग होते हैं, कई संप्रदाय होते हैं, कई प्रथाएं होते हैं, कई मान्यताएं होती है, लेकिन सारी मान्यता होने के बावजूद, सारी विचारधाराएं होने के बावजूद, कई संप्रदाय होने के बावजूद भी हमें यूनिटी से रहना है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न मतभेद, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न संप्रदाय होने के बावजूद भी हमें देश के लिए प्रथम काम करना है। देश हमारा सर्वोत्तम क्षेत्र पर है। डॉक्टर बाबा साहब कहते थे, आई एम फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन। इसी प्रकार सभी ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे उस समय के, जब संविधान दिया गया उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय के पंत प्रधान जवाहरलाल नेहरू और आदि सम्माननीय सभी जो लोग थे, उन्होंने संविधान को स्वीकार करके इसे लागू किया और आज हम सबके प्रगति के लिए, सबके सबके उन्नति के लिए संविधान के रास्ते से चलकर सारे भारत को हम मजबूत बना रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं और हमारा भारत हर दिशा में आगे जा रहा है। यह संविधान ही है जो हमें सबको जोड़े रखता है, बांधे रखता है और सबको एक सुख शांति की दिशा में ले जाने की प्रतिज्ञा लेकर हमारे सभी प्रधानमंत्री, हमारे आज के भी प्रधानमंत्री, हमारे हर प्रांत के मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण इस संविधान के रास्ते पर चलकर हमारे इस देश के जो प्रधान जज होते हैं, वो जज भी सुप्रीम कोर्ट के जज और सभी लोग इस संविधान के रास्ते पर चलकर सभी की उन्नति करना चाहते हैं, सबका कल्याण करना चाहते हैं। हम सभी ने इस संविधान के रास्ते पर चलकर हमारे देश की एकता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, समता, प्रेम, मैत्री, इसे बढ़ाना चाहिए और ये हमेशा बढ़ती रहे। हमारा भारत देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे, यही प्रतिज्ञा करके हम सब लोग इस 75वें 26 जनवरी के प्रजासत्ताक दिन को, जिन्हें गणतंत्र दिवस कहते हैं, मना रहे हैं। हम आप सभी को बधाइयाँ दे रहे हैं। सबका मंगल हो, आपका जीवन मंगलमय, निरोगी, सुख शांति रूप में पार पड़े, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, देश की सेवा में, आपकी सेवा में, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री सभी को बांट रहे हैं। सबका मंगल हो।